So my voice is clear to all of you. Yes, sir. Okay, Yes, and the sir. screen is also visible. Yes, sir. Okay, fine. So today we'll just discuss about the माइक्रोमेट्री. ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है माइक्रोमेट्री, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं, हमने माइक्रोस्कोपी हमने स्टडी किया. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी के अंदर, या जब भी हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो पहली बात तो ये कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ माइक्रोस्कोपी. हालांकि आपके सिलेबस में माइक्रोस्कोपी का एक पूरा यूनिट है, वो हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, बट स्टिल द पर्पज ऑफ माइक्रोस्कोपी इज टू ऑब्जर्व और टू स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और द थिंग्स विच आर सिमिलर इन साइज. ठीक है ना, तो जो भी जिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज माइक्रोन में हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं. बिकॉज सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल टू अवर नेकेड आई. ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम माइक्रोस्कोपी यूज करेंगे. ठीक है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, माइक्रोस्कोपी यूज भी करी होगी, और बैक्टीरिया या फिर जो हम ऑनियन स्किन्स वगैरह की लीव्स स्टीम, और जो आपका जो होता रूट होती है, वो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा. ठीक है, या टिश्यूज की आपने स्लाइड्स देखी होंगी. ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज यू जस्ट यूज दिस माइक्रोस्कोप. ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो ये होती है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज तो माइक्रोन में है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ बैक्टीरिया, देन ए नॉर्मल बैक्टीरिया अगर हम एक एवरेज देखें, तो वो लगभग लगभग आपका होगा 70 और 100 माइक्रोमीटर के आसपास उसका डायमीटर. ठीक है, या हम लोगों ने शायद नहीं, आपके सिलेबस में है, तो अराउंड 100 माइक्रोमीटर के आसपास उसका ये साइज होगा. आप इसको एक एवरेज मान के चल सकते हैं. ठीक है, तो ये जो साइज है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोपी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब हम माइक्रोस्कोपी यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर सीन बिगर देन देयर साइज. अरे मेरी बात समझ में, ठीक है ना, व्हेन वी यूज माइक्रोस्कोपी एंड ऑब्जर्व द सेल्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल, देन द साइज ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल विल सीन इन विल लार्ज. ठीक है ना, एज एज इट्स ओरिजिनल साइज. ठीक है, तो ओरिजिनल से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो ओरिजिनल उसका कुछ माइक्रोन में होगा, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो हमें कुछ एमएम में वो दिखाई देगा. ठीक है ना, तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग या नहीं समझ रहे हैं. यस सर. ठीक है, यस सर. तो एक्चुअली द ऑब्जेक्ट विच वी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप इज बिगर देन इट्स यूजुअल साइज. ठीक है, जो उसका साइज होता है उससे काफी बड़ा होता है. देन हाउ यू विल डिफाइन और हाउ यू विल डिटरमाइन द साइज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. तो हमें साइज अगर उसका थोड़ा एस्टिमेट करना है, एक हमें आइडिया लेना है, या हमें मेजर करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो साइज हमको दिखाई दे रहा है वो तो काफी बड़ा है. ठीक है, उसके बेसिस पे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल साइज तो उसको कुछ और होगा. ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं. ठीक है ना, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को माइक्रोमेट्री बोलते हैं. ठीक है ना, तो टेक्निक विच वी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द ऑब्जेक्ट्स व्हिच नहीं, आर क्लास चला स्टडी था, अंडर अंडर द क्लास चला माइक्रोस्कोप था. इज नोन एज माइक्रोमेट्री. ठीक है, इसको हम माइक्रोमेट्री कहते हैं. तो पहली बात ये आपको समझ में आया कि माइक्रोमेट्री क्या चीज है. एनी 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 ऑफ एनी वन ऑफ यू, अगर आपको समझ में आया कि नहीं आया कि माइक्रोमेट्री होती क्या चीज है. सर समझ में आ गया सर, बट एक बार रिपीट कर दीजिए. ठीक है, तो ठीक है, हम रिपीट करते हैं, कोई इशू नहीं है. देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बैक्टीरिया, वी हैव टू स्टडी द बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है ना, हम बैक्टीरियल सेल्स के बारे में देखना है. ठीक है, तो बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे वी हैव टू डिफरेंशिएट द साइज ऑफ बैक्टीरिया. हमें बैक्टीरिया के साइज को डिफरेंशिएट करना है, एंड वी हैव टू मेजर इट कि वो बैक्टीरिया का साइज कितना है. ठीक है ना, तो यहाँ ऐसा जरूरी नहीं कि खाली बैक्टीरिया की बात हम करेंगे. यहाँ पे कोई आपका प्रोटोजोन भी हो सकता है, यहाँ पे कोई आपका फंगल स्पोर हो सकता है, या कोई फंगल ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई सेल हो सकती है, ईस्ट सेल हो सकती है. ठीक है, या कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, तो हम
हमें मान लीजिए ये देखना है कि भाई हमें हमें साइज को डिटरमाइन करना है कि साइज कितना होगा, ठीक है। तो जब हम माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तो चीज़ें बड़ी होकर दिखती हैं, है ना। तो जो वट एवर वी आर ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप इट मैग्नीफाइज मैनी टाइम्स। जैसे हम माइक्रोस्कोप में क्या करते हम लेंसेज यूज करते हैं, ठीक है। एक आपका लेंस होगा जिसकी पावर, किसी ने माइक्रोस्कोप यूज करा है? सर एक तो नॉर्मल लेंस होता है, एक फिर 10x होता है और एक 40x होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 10x एंड 40x? सर 10x का मतलब वो होता है कि मतलब वो 10 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके दिखाएगा, और 40x का मतलब होता है वो 40 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। मल्टीप्लाई उसके ओरिजिनल व्हाट सेंस? मल्टीप्लाई इन व्हाट सेंस? मैग्नीफाई। ज़ूम। ज़ूम नहीं है उसको कहेंगे ना, साइज। साइज जो बड़ा करके दिखाएगा, वो जो साइज होगा इट विल बी 40 टाइम्स मोर साइज, है ना। तो वो जो उसकी जो पावर है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज से 40 टाइम्स उसको बड़ा कर देगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, मैग्नीफाई कर देगा, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन करता है वो, ठीक है। तो 40 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा उसको, और उसके बाद एक और भी लेंस होता है जो आपकी आंख के पास में हो, ठीक है। तो उसकी पावर कितनी होती है, किसी को पता है? 10x, ठीक है ना। तो उसकी पावर होती है 10x, ठीक है। तो अगर आप 40x का एक आप ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे हो, और 10x का अगर आप एक आई पीस यूज कर रहे हो, देन द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट विल बी 400 टाइम्स, ठीक है। तो एक जो चीज जिसका कुछ साइज हो सकता है वो आपको 400 टाइम्स बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उसका साइज मेजर करना है। लेकिन आप उसके साइज को कैसे मेजर करोगे, कोई पैमाना तो अगर होगा तो वो तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो माइक्रोमीट्री बेसिकली क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ऐसी चीजों की साइज को मेजर करते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। So the micrometry is the technique by which we can measure the size of some objects which we study under the microscope, ठीक है ना। ये आपके bacteria भी हो सकता है, bacterial cell हो सकती है, या आपकी protozoan cells हो सकती है, it may be a fungal cell, it may be yeast cell, or it may be some other object, ठीक है ना। तो ये अब समझ में आया आपको कि micrometry basically क्या है, to measure the size of microscopic object। हम इसको एक simple line में ऐसे भी हम कहते हैं, ठीक है। यस सर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ वी विल डू इट, ठीक है ना, हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं, देयर इज टू स्केल्स। जैसे कि आप यहाँ पे इस इसके अंदर आप देख रहे होंगे जो आपकी यहाँ पर स्लाइड है, सो देयर इज टू स्टेज, ठीक है ना, सॉरी देयर इज टू स्केल्स, या इनको हम कहते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है ना। माइक्रोमीटर इसलिए हम कहते हैं बिकॉज जो इसमें ग्रेजुएशन होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसमें दो जो आपके होंगे, एक होगा आपका ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक आपका होगा ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। और आपको इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्यूलर का मतलब ये है कि विच इज क्लोज टू अवर आई, ठीक है ना। जैसे कि आपका ऑक्यूलर लेंस होता है जो आँख के पास होता है, जिसको हम कई बार आई पीस भी बोल रहे हैं, तो उसको हम ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक स्केल होगा, वो स्केल उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर हम बोलेंगे, ठीक है। और इस ये सिंपली क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, और इसके मिडिल में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज ए ग्लास डिस्क, ठीक है ना, इट इज ए ग्लास डिस्क, और इसमें आपका एक स्केल बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट 100 to 50 to 100 यहाँ पर आपके ये आपके मार्क्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मार्किंग हो रही है या ये ग्रेजुएशन हो रहा है, ठीक है ना, स्केल के अंदर, तो अप्रोक्सीमेट 50 to 100 मार्क्स इसके अंदर बने हुए होते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को जैसी 330 हो जाए ना, मुझे बता देना भाई, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका ये हम क्या करते हैं, इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिस इज ए डायफ्राम, मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आप माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसे करके इस तरीके से कुछ
होता है, यहाँ पर कुछ लेंसेज लगे होते हैं ठीक है ना, इस तरीके से। और आप यहाँ पर एक आपका यहाँ पर एक देखने का होता है, सॉरी कुछ गलत सा बन गया, एक आप यहाँ से आप देखते हो ठीक है। तो इट इज प्लेस समवेयर हेयर, यहाँ पर इसको हम प्लेस करेंगे क्लोज टू द ऑक्युलर लेंस ठीक है। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे, जब हम आईपीएस को यूज करते हुए देखेंगे, तो हमें ये जो डिविजन्स हैं, ये डिविजन्स हमें दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो ये जो डिविजन्स हैं, जो यूजुअली 50 to 100 होते हैं, स्मॉल डिविजन्स होते हैं, ये हमें जैसे हम देखेंगे तो हमको ये डिविजन्स दिखाई देंगे ठीक है। काफी शार्प और काफी अच्छी तरीके से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो डिविजन ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, यहाँ पर कोई स्केल एज सच नहीं है कि ये जो डिविजन्स हैं ये आपके कितने, इनका इनकी डिस्टेंस कितनी है। जैसे मान लीजिए ये आपका स्केल है ठीक है ना, तो ये डिविजन्स है बेसिकली। यहाँ पर एज सच कुछ पता नहीं है कि ये जो हमारा इसके डिस्टेंस है, दो स्केल, दो डिविजन्स के बीच में या दो मार्क्स के बीच में, वो कितना है ठीक है। बस ये खाली क्या है, 50 to 100 इक्वल डिविजन ठीक है ना। तो एक तो आपका होता है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, और दूसरा होता है आपका स्टेज माइक्रोमीटर, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टेज माइक्रोमीटर बेसिकली क्या होता है, इट इज ए ग्लास स्लाइड, जैसे स्लाइड आप लोगों ने देखी होंगी ठीक है ना, दिस इज ए ग्लास स्लाइड जिसमें यहाँ पर एक स्केल बना हुआ होता है ठीक है। और ये जो स्केल होगा ये कितने का होगा, आपका 1 mm स्केल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगी इस पूरे स्केल की, वो कितनी होगी आपकी, 1 mm होगी है ना। इस स्केल को हम यहाँ नीचे भी समझ सकते हैं, अगर हम इस, अब अगर हम इस स्केल को बड़ा करके देखें तो ये हमें किस तरीके से दिखाई देगा ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दिस द होल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 1 mm, जो नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगी 1 mm, और विच इज इक्वल्स टू 100 micrometer ठीक है, सॉरी 1000 micrometer ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, इस स्टेज माइक्रोमीटर का जो ये आपका स्केल है, ये 1 mm का स्केल है। अगर हम देखेंगे इसमें भी बहुत सारे डिविजन्स बने हुए हैं, एंड द स्मॉलेस्ट डिविजन या फिर जो दो इसके सबसे स्मॉलेस्ट ये होगा आपका ये होगी मेजरमेंट होगा, वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिस इज 0.01 mm ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दैट दिस 1 mm डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल्स स्पेस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर ये सब इक्वल इसमें बना डिस्टेंस में आपका डिवाइड हुआ है ठीक है ना। फर्दर देर इज अनदर ये इसका डिवीजन है ठीक है ना, उसके बाद भी आपके डिविजन्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जो स्मॉलेस्ट डिविजन है इट इज ऑफ 0.01 mm, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है। 0.01 mm का है ये जो होगा आपका, यहाँ से इतना जो होगा ये वाला, इतना जो होगा ये आपका 0.05 mm का है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक जो आपका डिवीजन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो डिवीजन है, दिस इज 0.1 mm ठीक है, 0.1 mm, और यहाँ इस तरीके के यहाँ पर आपको 10 डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं विच इक्वल्स टू 1 mm ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्यूलर लेंस में जो था, या ऑक्यूलर सॉरी नॉट लेंस, माइक्रोमीटर ठीक है ना, जो ऑक्यूलर आपका माइक्रोमीटर था उसमें भी डिविजन्स थे ठीक है ना। लेकिन ऐसा यहाँ पर जिस तरीके से स्टेज माइक्रोमीटर के अंदर या स्टेज माइक्रोमीटर स्केल के अंदर जिस तरीके से हमें पता है कि जो डिविजन्स हैं उनकी डिस्टेंस कितनी है, वो आपको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में देखने को नहीं मिल रही ठीक है ना। बट मोर और लेस ऐसे ही डिविजन आपको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में भी देखने को मिलेंगे ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिविजन्स या यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो बेसिकली किस पर है, वो आपका स्टेज माइक्रोमीटर स्केल पर है ठीक है ना, वो आपके ऑक्यूलर पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिस इज द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्लिप्स होती है जिनके बीच में हम अपने स्लाइड्स को फंसा देते हैं और हम एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नॉब्स ठीक है ना। तो हम इस स्लाइड पर लेते हैं और इसको हम इस तरीके से क्लिप्स में फंसाएंगे, एंड देन जस्ट वी जस्ट चेक आउट कि क्या हमें दिखता है ठीक है ना। तो हमें क्या दिखाई देगा, ये जो ऑक्यूलर डिस्क है, इस ऑक्यूलर डिस्क को हम इस स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है,
हम क्या करेंगे, दोनों स्केल्स को ओवरलैप करेंगे, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एडजस्ट करने के बाद में ओवरलैप करके हम देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसके जो डिविजन्स हैं, हाउ मच डिविजन्स ऑफ दिस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आर इक्वल्स टू द डिविजन्स ऑफ दिस स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है ना। हम इन दोनों के बीच में ये देखेंगे कि कितने डिविजन्स इसके ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के आपके स्टेज माइक्रोमीटर स्केल के इक्वल, ठीक है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन माइक्रोमीटर में क्या होता है। तो यूजुअली जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं और उसी में ही आपका ये स्केल ऑक्यूलर माइक्रोमीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। देन फर्दर वी जस्ट कैलिब्रेट इट ऑन डिफरेंट लेंसेज, ठीक है ना। हमें कैलिब्रेशन करना होता है डिफरेंट लेंसेज के साथ, ठीक है। जैसे 10x पे हम करेंगे या फिर हम 40x पे करेंगे, इसी तरीके से जो हमारा आई पीस है वो उस आई पीस यूजुअली 10x का होता है, लेकिन वो आपका बदल भी सकता है। तो अगर वो बदल रहा है देन फर्दर हम उसको कैलिब्रेट करेंगे। समझ में आ रही है मेरे बात में, क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि हम अपनी माइक्रोस्कोप को, जो हमारी माइक्रोस्कोप है, हम उसको कैलिब्रेट करके रखेंगे कि हाउ मच डिविजन्स ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर्स आर इक्वल्स टू स्टेज माइक्रोमीटर्स ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, लाइक हाउ मच इन केस ऑफ 10x लेंस, हाउ मच इन केस ऑफ 40x लेंस, ठीक है ना, along with this 10x eyepiece, या फिर अगर हम eyepiece को चेंज करें तो वो कितने होंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? Yes sir. Yes, में कोई confusion है? हेलो, बताइए जल्दी बताइए भाई, अगर किसी को पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछते रहिए, अगर नहीं समझ में आया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि हम क्या करते हैं, हम कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन हम कैसे करेंगे, पहली बात हमें ये दो कंपोनेंट पता चले कि वन इज द ऑक्यूलर माइक्रोमीटर एंड सेकंड वन इज द स्टेज माइक्रोमीटर विच इज बेसिकली स्लाइड, ठीक है ना। तो ये तो डिटैचेबल है, लेकिन इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को हम इस ये जो आपकी ये डायफ्राम होता है उसके अंदर हम इसको फिक्स करके रखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। स्लाइड को हम हटा सकते हैं, लेकिन स्लाइड की हमें जरूरत है कैलिब्रेशन करने के लिए, और हम अलग अलग लेंसेज के साथ में कैलिब्रेशन करके रखते हैं पहले से ही। जो भी हमारी लैब के अंदर माइक्रोस्कोप होगी, हमें पता होगा कि हाउ मच डिविजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर टू दिस स्टेज माइक्रोमीटर एंड ऑन व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है ना। ये चीज हम करके रखेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम इसको करेंगे किस तरीके से, आगे बढ़े या कुछ पूछना है यहाँ तक बताइए, आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई कॉम्बिनेशन है लेंस का, जैसे 40x है, 10x है, मतलब 10x10 या 40x10, वो जो भी है रखना है हमें, हम वो हम देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट ओवरलैप दिस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर ऑन दिस स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है। हम इन दोनों को ओवरलैप करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा अभी, हमने कोई उसमें कोई बैक्टीरियल सेल या कोई हमने कोई स्लाइड ऐसे नहीं बनाई है, हम सिर्फ कैलिब्रेट कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कितने ऑक्यूलर आपके जो माइक्रोमीटर है वो कितने आपके स्टेज माइक्रोमीटर के इक्वल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे और इनको ओवरलैप करके देखेंगे, ठीक है ना। ओवरलैप करने के बाद में वी जस्ट काउंट दैट हाउ मच डिविजन्स आर इक्वल्स ऑफ दिस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर टू दिस स्टेज माइक्रोमीटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, दीज आर द 6 डिवीजन, ठीक है ना। हम इसको, या हम ये आपका एक डिवीजन ये हुआ, एक हम इसको मान लें 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर द 5 डिवीजन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 5 डिवीजन हमारे कहाँ पर हैं, ये 5 डिवीजन हमारे हैं स्टेज पर, ठीक है ना, ये स्टेज। अब हमने क्या किया, अब हमने ओवरलैप किया, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, अब हमने क्या किया, हमने ऑक्यूलर लेंस को इसके ऊपर ओवरलैप किया और हमने देखा कि भाई कितने डिविजन्स इक्वल हैं। जैसे 1 मान लीजिए यहाँ, 2 मान लीजिए यहाँ, 3 मान लीजिए यहाँ, 4 और ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप ब्लू वाला देखोगे तो ब्लू जो है वो आपका एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन और चौथा डिवीजन, ठीक है ना।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये हमें ये देखना है कि कितने ओवरलैप प्रॉपर तरीके से एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, ठीक है ना। तो हमें आगे पीछे नहीं देखना, हमें जो बिल्कुल सही तरीके से ओवरलैप हो रहे हैं वो हमें देखना है। उसके लिए हम अपनी स्लाइड्स को या फिर हम अपने लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय आफ्टर ओवरलैपिंग वी जस्ट फाइंड आउट दैट फोर डिविजन्स ऑफ दिस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आर इक्वल्स टू 5 डिविजन्स ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है ना। ये बात हमें समझ में आई या नहीं आई बताइए, ठीक है ना। ठीक है, तो इट मीन्स दिस फोर, वट इज वट विल बी द मेजरमेंट ऑफ दिस फोर डिविजन्स, बताइए, आप बताइए क्या होगा इसका, वट विल बी द मेजरमेंट और वट विल बी द साइज ऑफ दिस फोर डिविजन्स। बताइए, फोर फोर का मतलब है हम यहाँ पर इसको वन गिन रहे, ये जो आपका स्टेज माइक्रोमीटर है हम इसको वन वन, ये है आपका सेकंड, ये है थर्ड वन, वन वन टू थ्री फोर। सो आफ्टर ओवरलैपिंग यू फाइंड आउट दैट फोर 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 डिवीजन ऑफ दिस ऑक्युलर माइक्रोमीटर्स आर equals to 5 divisions of this stage micrometer. Then what will be the measurement of this 4 divisions? Kya hoga bataiye? 0.05 what? mm sir, mm right. ठीक है ना। तो ये बात आप सभी को समझ में आई या नहीं आई बताइए। अगर कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई कि जो जो मेजरमेंट होगा दिस फोर फोर डिविजन्स का वो 0.05 mm होगा, अगर किसी को नहीं आया तो पूछिए। हेलो, सो इज इट ओके? हाँ बताइए सर, जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर सर होता है इसमें जो डिविजन्स होते हैं वो सभी का सर डिवीजन जो गैप है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है या नहीं? सेम रहेगा, अगर हम सेम रहेगा। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि डिवीजन जो है डिवीजन, ये जो डिवीजन जो जितना डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए स्केल, ठीक है ना, और ये जो स्केल यहाँ पर आपके 100 इसमें ये डिवाइडेड है। तो अगर आप सबसे छोटा वाला आप देखोगे दिस वन, ऐसे आपको 10 दिखाई दे रहा होगा, 10 डिवीजन आपको दिखाई दे रहे होंगे जो लार्ज डिवीजन है, और फर्दर दिस 10 डिवीजन further divided into 10 parts, ठीक है ना। तो all so total are 100 parts, ठीक है ना। तो ये जो scale है it is divided into 100 parts and all parts will be equal, ठीक है ना, सारे parts जितने होंगे equal होंगे, ठीक है। यही पूछना चाह रहे हो या कुछ और पूछना चाह रहे हो? यही सर, ठीक है ना। हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि division तो होगा, हालांकि उसमें measurement जैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो equal parts होंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आई ये बात आप लोगों को? यस सर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, और ये क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी जस्ट कैलिब्रेट आवर माइक्रोस्कोप दैट द फोर पार्ट्स ऑफ दिस ऑक्युलर माइक्रोमीटर आर इक्वल्स टू 5 पार्ट्स ऑफ दिस स्टेज माइक्रोमीटर एट व्हाट कंडीशन, ठीक है ना। तो कंडीशन विल बी 10x विल बी योर आईपीस और ऑक्युलर लेंस एंड 10x विल बी योर objective lens, ठीक है ना। If you change it, for example, you just change to this 40x, then you have to again calibrate your microscope or your this micrometer, ठीक है ना। तो आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि how much this parts are equals to this stage parts, ठीक है ना। तो दोबारा से आपको calibration करना पड़ेगा। तो usually हमारे पास एक ही microscope है, we have some set of lenses, तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट कैलिब्रेट अवर माइक्रोस्कोप विद ऑल टाइप ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज, हम करके रखेंगे पहले, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये स्लाइड आप रिमूव कर दोगे, ठीक है ना। यू जस्ट रिमूव दिस स्लाइड एंड जस्ट गो फॉर द स्टडी ऑफ द स्लाइड ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। फिर आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्लाइड को लगाया, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा, यू जस्ट फाइंड आउट दैट दिस लाइक दिस बैक्टीरिया, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए आपको बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल,
ठीक है ना, ये स्केल क्योंकि अभी भी आपको दिखाई देगा, समझ रहे ना मेरी बात, बिकॉज दिस इज नॉट डिटैचेबल, हमने इसको डिटैच नहीं किया है, वी जस्ट रिमूव दिस स्टेज स्केल, बट यस वी नो दैट what is the size of one part of this ocular micrometer. जैसे हमें यहाँ पता चल गया ना कि four part का जो आपका ये है मेजरमेंट है वो 0.05 है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम वन पार्ट का कैलकुलेट कर लेंगे, वाट विल है ना, सिंपल कैलकुलेशन करके हम वन पार्ट का साइज देख लेंगे क्या है, कर सकते हैं ना, क्या होगा बताइए, 0.05 / 4, ठीक है ना, तो जो भी इससे रिजल्ट आएगा इट विल बी द साइज ऑफ ए वन पार्ट, ठीक है, तो ये बात हमें पता है, ये हमने कैलिब्रेशन कर लिया, फिर हमने माइक्रोस्कोपी लगाया एंड देन हमने इसको स्टडी किया, तो हमें ये स्केल दिखाई देगा, ये तो हमने हटा दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा साइड में, ठीक है, मान लीजिए ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे करके दिखाई देगा, तो वी जस्ट फाइंड आउट दैट दिस इज द पॉसिबल साइज ऑफ दिस बैक्टीरिया, ठीक है ना, तो हम उस जितने पार्ट में ये बैक्टीरिया आ रहा है उन पार्ट को हम काउंट करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तीन पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें, तीन पार्ट के अंदर बैक्टीरिया हमें दिखाई दे रहा है, तो इज व्हाट विल द साइज ऑफ दिस बैक्टीरिया, उसको क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो दैट्स बैक्टीरिया, समझ में आ गया आपको कैसे हम कर सकते हैं, यस सर, बताइए, ठीक है, तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए जल्दी से मुझे, ठीक है, यही माइक्रोमीटर है बेसिकली, ठीक है ना, और इसमें कुछ ऐसा कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल है बहुत ही, बताइए अगर किसी को कुछ पूछना है, हेलो पूछना है भी जल्दी बताइए अगर किसी को पूछना है, 3:30 से मेरी मीटिंग है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है, तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है।